मध्यात्माओं, हम और आप सभी प्रातःकालीन मंगल वेला में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट पहुंचेंगे मांगी तुंगी की सीढ़ियों को चढ़ करके और ऋषभगिरी पहुंच करके भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च विश्व शांति वर्ष के अंतर्गत आप अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रहे होंगे, मंडल विधान अनुष्ठान जाप आदि, उसके साथ आप लोगों को संगोष्ठी व्याख्यान माला आदि करना है। अभी गर्मी की छुट्टियों में शिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर आदि करके ज्ञानार्जन भी करना है। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनः हमारे सामने विराजमान है षटखंडागम ग्रंथराज, उसका मंगलाचरण महामंत्र अपराजित मंत्र नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो नमो लोये सर्वसाहूणम सिद्धान सिद्ध्यर्थ मानम्य सर्वांस त्रैलोक्य मूर्धगान इष्टः सर्वक्रियान्ते सौ शांति सोहृदि धार्यते। भव्यात्माओं, कल हमने सार में संक्षेप में आपको बताया ग्यारहवां गुणस्थान। ग्यारहवें गुणस्थान में क्या होता है देखा जाता है कि नियम से आगम की परिभाषा में, आगम के आलोक में हम पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि निश्चित ही वे ग्यारहवें गुणस्थान से निश्चित ही ऊपर से नीचे उतरते हैं, छठे तक आते हैं। कोई कोई महामुनि भी ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुंच करके भी पहले गुणस्थान तक भी आ जाते हैं। ये सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय से स्पष्ट होता है। पुनः ऊपर चढ़ते हैं, ग्यारह तक पुनः भी पहुंचते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान में यदि मरण होता है तो नियम से सर्वार्थ सिद्धि आदि अहमिंद्र व्रत को प्राप्त करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने सर्वार्थ सिद्धि से आकर के ही अयोध्या में जन्म लिया है। यदि क्षपक श्रेणी में चढ़ते हैं कोई मुनि, तो यह नियम है क्षपक श्रेणी में वही चढ़ेंगे जो चरम शरीरी है, उसी भाव से नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। क्षपक श्रेणी आरोहण वही करते हैं, छपक श्रेणी में चढ़कर ग्यारहवें गुणस्थान का स्पर्श नहीं करते। आठवें नौवें दसवें गुणस्थान तक पहुंचकर मोहिनी कर्म का निर्मूल कर देते हैं। दसवें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का सर्व अभाव करके पूर्ण रूप से नाश करके, यानी मोहिनी कर्म को अपनी आत्मा से, द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को अपनी आत्मा से पृथक करके नाश करना, यानी किसी को मारना नहीं है। आप अपने परिवार के प्रति या घर के प्रति धन के प्रति जितना मोह कम करेंगे वो परिणाम उज्जवल होंगे। अब पूर्ण रूपेण मोह का त्याग करके दीक्षा ले लेंगे तो किसी को मारा नहीं है, उनका त्याग किया है, उन्हें छोड़ा है। उसी प्रकार से बारहवें गुणस्थान में, दसवें गुणस्थान से वो मोहिनी का अभाव करके, मोहिनी कर्म से दूर होकर के पहुँचते हैं, तो बारहवें गुणस्थान का काल भी बहुत छोटा अंतर मुहूर्त है। उसके अंतिम क्षण में वो निद्रा प्रचला पांच ज्ञानावरण की प्रकृतियाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनाप्रय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण और दर्शनावरण की चार प्रकृतियाँ, चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और अंतराय की पांच, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय,
उपभोगांतराय और वीर्यांतराय इन पांचों प्रकृतियों अर्थात ऐसी 16 प्रकृतियों को, 16 प्रकृतियों को जड़ से निर्मूल करके, नष्ट करके, समाप्त करके अंतिम क्षण में इनका अभाव करके अगले ही क्षण केवली भगवान बन जाते हैं। 11वें गुण स्थान से नच स्पर्श करके 12वें में जाने वाले क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाले महामुनि 10वें से सीधे 12वें में पहुंचे और 12वें गुण स्थान के अंतिम क्षण में इन प्रकृतियों को भी नष्ट किया तो वहाँ 63 प्रकृतियों की गणना आई है कि 63 प्रकृतियों का नाश करके, कुल 63 प्रकृतियों का नाश करके केवली बन जाते हैं। वो 63 प्रकृतियाँ एक साथ नष्ट नहीं होती हैं, पहले अनंतानुबंधी की 4 और 3 दर्शनावरण की दर्शन मोहिनी की, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का अभाव करके नाश करके छायिक सम्यक दृष्टि बनते हैं। चौथे गुण स्थान से भी इनका नाश संभव है। चौथे गुण स्थान में राजा श्रेणिक ने चौथे गुण स्थान में इन 7 प्रकृतियों का नाश किया। लेकिन एक नियम निश्चित है, 7 प्रकृतियों का नाश करके छायिक सम्यक होता है छयोत्सव सम्यक दृष्टि के, तो ये केवली अथवा सुरत केवली के पाद मूल में ही होता है। और आज केवली और सुरत केवली नहीं होने से कोई भी छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, ये ध्यान में रखना। पंचम काल में आज भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कोई भी छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि केवली और सुरत केवली नहीं है। केवली अथवा सुरत केवली के पाद मूल में ही इन 7 प्रकृतियों का नाश करके छायिक सम्यक प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी नियम है, केवली अथवा सुरत केवली के पाद मूल में ही 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें और 8वें के कुछ भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो भव्यात्माओं, कर्म भूमिज मनुष्य भोग भूमि में क्षायिक सम्यक दर्शन अथवा तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, देवों के नहीं है, नारकियों में नहीं है, भोग भूमि मनुष्यों में नहीं है, कुभोग भूमि मनुष्यों में नहीं है, विलेक्ष मनुष्यों में नहीं है, कर्म भूमिज आर्य मनुष्यों में ही केवली अथवा सुत केवली के पाद मूल में छायिक सम्यक तो प्रकट होता है। अनंतर आयु का अभाव करते हैं, 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का नाश करते हैं आदि, 10वें में एक सूक्ष्म लोभ का नाश होता है और 11वें में 16 प्रकृतियों का, ऐसे 63 प्रकृतियों का नाश करके केवली बन जाते हैं। घात्या की 47 शेष आयु नाम की प्रकृतियों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके इसे पृथ्वी तत् से भूतत् से 5000 धनुष ऊपर, 20000 हाथ ऊपर, एक धनुष में 4 हाथ माने गए हैं। शास्त्रीय परिभाषा त्रिलोकसार त्रिलोपणत की आदि पुराण आदि ग्रंथों में है। 5000 धनुष ऊपर, 20000 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं अधर, एक सेकंड मात्र में नहीं, सेकंड का भी असंख्यातवा भाग एक समय मात्र में, और कुबेर के द्वारा दिव्य समोषण की रचना बन जाती है। केवली मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के हैं, ऐसे तो अनेक भेद हैं, एक तीर्थंकर भगवान जिनका भव्य समोषण बनता है, एक सामान्य केवली देशभूषण और कुलभूषण महामुनि कुंथलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, 9 लाख वर्ष पूर्व का उदाहरण पद्म पुराण में वर्णित उदाहरण बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता वनवास में विचरण कर रहे थे, आकस्मिक वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं तलहटी में तमाम लोग जो है भागे जा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, अपने मस्तक पर कोई कपड़े की गठरी लिए हुए, कोई कुछ सामान लिए भागे जा रहे हैं। श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण पूछो क्यों भागे जा रहे हैं।
लक्ष्मण ने पूछा तो बताया कि यहाँ पर तलहटी में हम लोग बसे हुए हैं, हम ग्रामवासी, और पर्वत के ऊपर रात्रि में भयंकर गर्जना होती है, इतनी भयंकर कि हमारे सहन करने के बाहर है। कितने ही बच्चे मर गए, कितने ही गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो गए, कितने वृद्ध मर गए, कितने ही लोगों का दिल बैठ गया, हार्ट फेल हो गया, मर गए। तो इसलिए हम लोग शाम को भाग कर बाहर चले जाते हैं बहुत दूर, और सुबह फिर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। श्री राम को दया आ गई, करुणा आ गई, उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण चलो पर्वत पर चले और देखें ये क्या आतंक है, इसको दूर करना है, प्रजा को सुरक्षित और सुखी करना है। ऊपर पहुंचते हैं, देखते हैं दो महामुनि ध्यान में खड़े हैं, उन्हें समझते ही अनुमान लगाते ही देर नहीं लगी कि अवश्य ही इनके ऊपर कोई ना कोई उपसर्ग करता होगा। निराकुलता से भक्ति भाव से भगवान उन दोनों महामुनियों के चरणों की पूजा किया, झरने के जल से पात्र छाल चंदन लेपन किया, बहुत सुंदर वर्णन है पद्म पुराण में, पुष्पों से उनके चरणों में पुष्पांजलि की, पुष्पों से पूजा की। अनंतर भजन संगीत आदि करते हुए वहाँ बैठ गए। रात्रि में अर्धरात्रि में एकदम भयंकर गर्जना होती है, सुनते कौन है क्या है। श्री राम और लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं, सीता को वहाँ बिठा देते हैं, दोनों मुनियों के बीच में जगह थी, और स्वयं धनुष की टंकार से ललकारते हैं उस दैत्य को जो उपसर्ग करने वाला दैत्य देव, और उत्सर्ग को दूर करके अपनी धनुष की टंकार से उस दैत्य को पराजित करके उसको दूर करके उत्सर्ग को दूर करके भगा देते हैं। और उसी क्षण देशभूषण कुलभूषण महामुनि छपक श्रेणी में आरोहण करके बारहवें गुण स्थान में प्रकृतियों का नाश करके केवली बन जाते हैं। केवल ज्ञान प्रकट जाता है, दोनों गुणियों को एक साथ केवल ज्ञान हो जाता है, उनकी गंधकुटी की रचना बन जाती है, और श्री राम आदि वहाँ पर पहुँच करके उनका दिव्य उपदेश सुन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र का। ऐसे कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने प्रेरणा दी, और वहाँ पर्वत पर ही मंदिर में देशभूषण कुलभूषण महाराज की दोनों की मूर्ति विराजमान कराई हैं, खड़गासन प्रतिमा। मैंने कुंथलगिरी में रहकर एक महीने आचार्य श्री शांतिसार जी की समाधि देखी है, सन 1955 में। तब मैंने चिलिकावस्था में मैं थी, मसवड़ में चातुर्मास किया था, और वहाँ से जाकर के एक महीने एक आर्य चिलिका विशालमती अम्मा थी मेरे साथ, मुझे ले गई थी। हम दोनों ने वहाँ जाकर के कुंथलगिरी में आचार्य श्री शांतिसार महाराज के सानिध्य में देखा कि वो अंतिम क्षण तक उन भगवंतों का प्रतिदिन पंचावर्त अभिषेक देखते थे। बड़े ठाट बाट से रोज अभिषेक होता था, खूब घड़ों घड़ों से, दूध से, इक्षुरस से, दही से, सर्वौषधि से, चंदन से, खूब पुष्पवृष्टि आदि होती थी। आज भी वो मूर्ति वहाँ विराजमान है, आप भी दर्शन करें कुंथलगिरी का, और आचार्य श्री के संस्मरण को सुने पढ़ें और चिंतन करके साथ से महान पुण्य का संचय करें, तो भव्यात्माओं बारहवें गुण स्थान से तेरहवें में पहुँच कर केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले ये सामान्य केवली, और तीर्थंकर भगवान भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्ग के समय केवल ज्ञान हुआ है, ध्यान रखना। अहिक्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमर दुस्तर कर रहा था, भगवान छपक श्रेणी में चढ़ गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अहिक्षेत्र में दिव्य समोसरण बन गया। इसके अतिरिक्त बिना उपसर्ग के भी अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनंत महामुनि, अनंत अनंत भव्यात्मा बारहवें गुण स्थान से तेरहवें गुण स्थान में पहुँच कर केवल ज्ञानी बने हैं, जिनका समोसरण बना है, जिनकी गंधकुटी बनी है, उन सबको नमन करें। तो ये क्षीण कषाय वीय राग छद्मत्था, जो कषायों का नाश कर देते हैं, क्षीण कषाय कषाय से रहित होकर के वीतराग महामुनि छद्मस्थ हैं, वो बारहवें गुण स्थानवर्ती हैं।
इस गुणिस्थान का नाम है क्षीण कसाय। तो इस गुणिस्थान में कर्मों का नाश करके 13वें गुणिस्थान में पहुंच जाते हैं, संयोग केवली केवली बन जाते हैं। संयोग केवली योग सहित केवली है, मनोयोग वचन योग है, उनके द्विध्वनि कीर्ति है, काय योग है शरीर है। तो भव्यात्माओं केवल ज्ञान, इस एक केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम और आप अहर्निश प्रयत्न कर रहे हैं। श्रावक धर्म का पालन, कल एक महानुभाव आकर कहने लग गए, बड़ा अच्छा लगा कि माता जी हम प्रतिदिन 6 बजे पारस चैनल खोलकर बैठ जाते हैं और प्रतिदिन नवग्रह भगवंतों का अभिषेक देखते हैं, पंचावत अभिषेक देखते हैं। और आपने आज बताया कि रात्रि में भी फल चढ़ाने में, फूल चढ़ाने में और भगवंतों के सामने, गुरुओं के सामने कोई दोष नहीं है। समय शिखर की वंदना आदि में आकर सब कह रहे थे, अच्छा लगा कि लोग भव्यात्मा आप लोग आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य वीर साहब जी महाराज के वचनों को मेरे माध्यम से सुन रहे हैं। मैं अपने गुरु की वाणी भी सुनाती हूँ, आगम की वाणी भी सुनाती हूँ। तो भव्यात्माओं 12वें गुणिस्थान में पहुँचने का पुरुषार्थ हमें और आपको करना है। यह है निर्ग्रंथ पुराग वकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नात कहा। 12वें गुणिस्थानवर्ती 11वें गुणिस्थानवर्ती निर्ग्रंथ कहलाते हैं। यह तो उपचार से 6ठे गुणिस्थानवर्ती हुए निर्ग्रंथ महामुनि है, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और 13वें गुणिस्थान में जब पहुँचते हैं तो स्नातक कहलाते हैं। भव्यात्माओं हमें इस गुणस्थान की प्राप्ति के लिए ही तो पुरुषार्थ करना है। अपनी आत्मा में केवल अज्ञान की ज्योति को प्रकट करने के लिए ही श्रावक धर्म और मुनि धर्म का पालन इस पंचम काल में करना है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।